क्या कहते हैं चना पराठा, उस पर भी बड़ी वी आई पी बड़ी कुछ ज़बरदस्त। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो जो जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने ओपिनियन का साथ भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन मेरी वीडियो वॉच कर रहा है। ठीक है जी, तो बिना टाइम जाए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ब्लॉग है, छोटा सा जिसे कहते हैं ना वो ब्लॉग है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये ठुमरी ठुमरी आ गई है, दे ठुमरी ठुमरी। देती अम्मा लेटर आई है आटा, क्या बनाने लगे हो, क्या बना के लाए? और हलवा, और बस इतने सालन हलवा और ये आटा, ये गरम आटा भी तुसी ले गए हो उनके लाए। वाह वाह, ये वैसे इतनी सारी पूरियां घर दी है या पूरे मले दिया बड़ाड़ियां, ए भी दस दियो। ये अब्दुल्ला खोलना, इसकी गठान खोलो, बारीक मैं कहाँ से खोलूँगा, नाइफ से काट दो ना। चेक करें हलवा, खोलो ढक्कन खोलो। हाँ हलवा तो वैसे बड़ा भी लग रहा है, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है बाबू। ये क्या है जी? जी क्या हुआ मम? हाय हाय, चम्मच दो, चम्मच से जरा चेक करें, हिला शला के। हाय हाय, ये तो वो वाले छोले भी हैं, वो जो वो होते हैं लाहौरी छोले, कहते हैं चना पराठा, उस पर भी बड़ी वीआईपी बड़ी कुछ ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बड़ी लजीज किस्म की खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अलग अलग हुआ था जी। जिसने खाने आ जाओ जी, ये रहे चने, ये रही हलवा, और ये रही पूरी, और ये तल रहे हैं पूरी मेड बाय आयजा। ओरिजिनल नेम है जी इनका सना के, मेड वैसना पूरियाँ, पूरी वाली। तो ये मेड वैसना पूरी वाली की पूरियाँ की ज़रा बताएं कैसी, हम बनाते हैं फिर आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है और ये कैसी है। और ये रहा शेफ़, ये साथ हेल्पर रखा हुआ है। कितने की पूरी है भाई साहब? क्यों इतनी महंगी क्यों है ये? मॉडल एयरपोर्ट साइड की है। ओह हो, ये एयरपोर्ट साइड की है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई अमेरिका से आई है, जितनी महंगाई के हिसाब से आप बता रहे हो। आप लोग पूरियाँ गलत उसमें रख रहे हो, पूरियाँ इसमें रखो, रुको ये पूरी अब हम उठा के रखेंगे जी इसमें, और साथ साथ इसको ढकते ही जाएंगे। ये नुक्स निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। कोई भी मुझे देख के बताइए कहाँ से कच्ची है, कोई बताए ज़रा। गर्मा गर्म पूरी आ जाओ जी, जिसने खानी है गर्मा गर्म पूरी, गर्मा गर्म सेटिंग में ले आया ये। क्या बात है, आपको लगा दे किसी शॉप में खोल के दे पूरी होंगी। शेफ हमारे घर पे जिसको चाहिए हो अब्दुल्ला शेफ से रब्ता करें। ये पहले मेहमान है जो अपने घर से आते हुए लेके आए हैं हलवा पूरी और सारा सामान। ये पहले मेहमान है जो खुद लाते हैं और खुद खाते हैं। कैसा फील करे अपने घर से लाके अपना ही नाश्ता खुद करते हुए, कैसे फीलिंग आ रही है आपको, और आपको कैसे फीलिंग आ रही है आपके घर में नाश्ता भी मेहमान लेकर आए। ये मजाक हो रहा है अब्दुल्ला के लिए, आप इस हिसाब से डालेंगी अब्दुल्ला बुरा मान जाएगा, जरा दिल से डालें, दिल से माना आप अपने घर से लाइए लेकिन डालना दिल से ही पड़ेगा, उतने में तो अब्दुल्ला की जबान भी लेनी होगी। Thank you.
इसके मामा का फेशियल भी किया आज हमने। आज इसकी मामा हमारे लिए हलवा पूरियाँ बना के लाई थी, तो हमने कहा चलो फ्री हैं तो इसका फेशियल कर देते हैं। तो इसकी मामा का फेशियल किया है और वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ शेयर कर दूँगी। तो आप लोगों ने जाके नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है, उस पर फेशियल की टोटल डिटेल्स है कि वो कैसा है और कितने में पड़ेगा और क्या उसके रिजल्ट हैं। तो वीडियो मस्ट वॉच करना है ना जामिया, ऐसा ही है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी तो माशाल्लाह जामिया भी आ गई जानुमा, जिसे फिर मैंने बिछा के दिया, तो माशाल्लाह इसने भी साथ नमाज़ पढ़ी। मतलब बच्चे इसी तरह पिक करते हैं कि भाई जब, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, आप अगर ज़बान से समझाते रहो ना कि आप ये करो वो नमाज़ पढ़ो, वो नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप खुद पढ़ते हैं ना तो बच्चे भी फ़ौरन उस चीज़ को कॉपी करते हैं। मतलब आजकल बच्चों को सिखाने के लिए आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। और साथ ही अब हम जी मैं दूध बॉयल करूँगी क्योंकि अब भूख भी लग रही है, तो दूध बॉयल करेंगे, चाय शाय पियेंगे और बाकी हलवा पूरी हम भी चेक करेंगे, हम भी खाएंगे कैसी बनी है। तो मैं आपको फिर बताऊँगी मुझे भूख लगी। तो हम फैशल करने के बाद अब हम जो है पूड़ियाँ बनाएंगे, मैंने और फाइक ने नहीं खाई थी, तो अब हम बनाएंगे और साथ खाएंगे, साथ अब्दुल्ला से बनवाएंगे जी चाय, अब्दुल्ला चाय बना के पिलाएगा। ये जी हमारी पूरियाँ फिर से रेडी हो गई, सबकी दोबारा से शिफ्ट लगने वाली है क्योंकि सब साथ देंगे, सब साथ खाएंगे दोबारा से, क्योंकि टाइम हो गया, काफ़ी देर हो गई है तो सबको भूख लगी है, तो दोबारा से शिफ्ट लगाएंगे। आपने भी खाई नहीं थी, अब फिर खाओगी आप सबके साथ, फिर खाना है आपने, अभी खाया था आपने, क्या हुआ। फाइनली जी फाइक है, ये हमें बताएंगे कि जी पूरियाँ पास हो गई हैं कि नहीं हुई है। पहले वो कहावत थी क्या थी, कौन पास, पप्पू पास हो गया, तो अब बताया जी पूरियाँ पास हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ये वाला पप्पू तो पास हो गया, क्रिस्पी है। देखिए आज की सदी में आ जाता है, हो गई पास, चलो शुक्र है। आपकी भी पास हो गई है, सही है जामिया, जामिया ने भी ऐसे कर दिया, मतलब है कि सही बनी है। चले अब हम भी खा लेते, बहुत सख्त भूख लगी है। अच्छा जी, यहाँ हम जामिया और फाइक की वीडियोस बना रहे थे, शॉर्ट वीडियोस बना रहे थे। तो अगर आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है फेशियल की आएगी, वो लाजमी मस्त देखिएगा, उसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त थे। मैं उसको उसके आपको सारी डिटेल उसी वीडियो में ही शेयर करूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।